हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर फ्यूचर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका जिसका काम शुरू हुआ था 31 मार्च 2002 में, और यह भारत का पहला लाइट वाटर संयंत्र होगा। यह भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। तमिलनाडु के तिरुनेवली जिले के कुंडलकुलम शहर में यह स्थित किया गया। आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव द्वारा कौन सी हेल्पलाइन का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा सुकून हेल्पलाइन। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने अपने मुख्यालय में CDRF की पहली बटालियन की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन किया है। मिथुन युद्ध जम्मू कश्मीर और पर्यटन विभाग के सहयोग से यह हेल्पलाइन बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसका आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन सी, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी है। इन्होंने 12 साल की उम्र में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडुगा को हराकर 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सरगेई करजाकिन जो कि रूस से थे उनके नाम पे था। ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जो कि बूटापेस्ट में आयोजित किया था वहां पर यह रिकॉर्ड तोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोइंपुर राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडा को। यह पुरस्कार दिवंगत कवि कोइंपू की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो कि 2020 के लिए ओडिया कवि डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडा को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद, इसके साथ एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक यानी डॉक्टर दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि है। यह दिवस सबसे पहले साल 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विवेक राम चौधरी, जो कि HS अरोड़ा का स्थान लेंगे। इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल भदौरिया। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह और प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट भावना कंठ और प्रथम महिला भारतीय पायलट हरिता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसके मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसकी मुख्य भाषा है बांग्ला। इसके कुछ मुख्य पॉइंट पर बात करते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 30 जून 2021 को लॉन्च की गई। इसमें साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 10 लाख तक का लोन सरकार देगी। सरकारी नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए 15 सालों का समय भी सरकार देगी। इसमें अधिकतम आयु सीमा जो कि लाभार्थियों के लिए है वो 40 वर्ष रखी गई है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT, IIM, NLU, IES, IPS, WBPS के छात्र भी सम्मिलित और उन्हें लाभ दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से पहले यह योजना बिहार में लागू की गई। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 4 लाख रुपए तक की ऋण राशि दी जा रही है। तय समय के अंदर नौकरी नहीं मिलती है तो उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा और यह छात्रों को 32 किस्तों में लोन चुकाने की छूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले 13 कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साजन प्रकाश, जो केरल से हैं। साजन प्रकाश ने सेटे क्वाली ट्रॉफी जो कि रोम में आयोजित की गई थी वहां पर एक ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम करने वाले भारत के पहले 13 बन चुके हैं। पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में 1:56.38 का समय निकाला है इन्होंने। रियो ओलंपिक 2016 खेल चुके साजन टोक्यो ओलंपिक ए स्टैंडर्ड में प्रवेश में 0.1 से कामयाब रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO का कार्यालय जून 2022 एक वर्ष तक बढ़ाया, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, यह इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015
को ही इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और इसके सबसे पहले अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी केवी सिंधु। सुधर्मा संस्कृत दैनिक दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी चीन। WHO जिसका नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, इसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया दिवस है 25 अप्रैल, इसको प्रभावित करने वाला अंग है पिहा स्प्लेम। उसके दवा छिनकॉ वृक्ष की छाल से पुनेन नाम की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किए हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी, जो इसको चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित है। इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। साल्ट का पूरा नाम है सपोर्टिंग अंडर लर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग। इसके लिए वर्ल्ड बैंक आंध्र प्रदेश को 25 मिलियन का लोन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। यह अमेरिका की पहला नेशनल पार्क है। यह नाम यहाँ की एक झील का नाम येलोस्टोन के, यह सुपर वेल्कोनो येलोस्टोन कोल्डरा पर स्थित है। यह आज भी सक्रिय माना जाता है। जब उसमें से लावा निकलता है तब उसकी चमक पीले रंग की थी, इसलिए इस जगह का नाम येलोस्टोन पड़ा है। यह हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है। डेली करंट अफेयर, जॉब डिटेल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो और फैक्ट्स के लिए आपके अपने चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।